दरवाजे पर फिटकरी बांधने से क्या होता है? दोस्तों, अगर घर में वास्तु दोष है तो व्यक्ति को मानसिक परेशानियां होती है। हालांकि कई छोटी वस्तुओं द्वारा वास्तु दोष को दूर किया जा सकता है। इनमें से एक फिटकरी वास्तु दोष को दूर करने में बेहद प्रभावी है। तो आइए फिटकरी से जुड़े इन उपायों के बारे में जानते हैं। नंबर एक, घर का वास्तु दोष दूर करने के लिए एक कटोरी में फिटकरी के टुकड़े रखें। इस कटोरी को ऐसी जगह पर रखें जहां किसी की नजर ना पड़े। इससे घर की नेगेटिव एनर्जी दूर होने लगेगी। ध्यान रहे कि हर महीने फिटकरी को जरूर बदले। नंबर दो, काफी मेहनत के बाद भी अगर आपको बिजनेस या नौकरी में सफलता नहीं मिल रही है तो इसका कारण वास्तु दोष हो सकता है। इसके लिए काले वस्त्र में फिटकरी का टुकड़ा बांधे और इसे घर के मुख्य गेट पर लटका दे। इससे नकारात्मकता दूर होने लगेगी। नंबर तीन, वास्तु शास्त्र में दिशा और स्थान का खास महत्व है। खिड़की और दरवाजे के पास फिटकरी रखने से घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है। अगर घर में वाद विवाद रहता है तो इसे दूर करने के लिए एक कांच के प्लेट में फिटकरी रखें और इसे समय पर बदलते रहें। नंबर चार, वास्तु दोष का असर घर के सदस्यों के स्वास्थ्य पर दिखाई देता है। इसकी वजह से लोग बीमार रहते हैं। इसके लिए घर में फिटकरी डालकर पोछा लगाएं। नंबर पाँच, परिवार के सदस्यों में झगड़े होते हैं तो परिवार का मुखिया रात को अपने पलंग के नीचे फिटकरी डालकर एक लोटा पानी रखे और सुबह भगवान का नाम लेकर उस जल को पीपल को चढ़ाएं। इससे घर में शांति बने रहेगी। तो दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर करें।